29 पृष्ठ पे है। ये प्रथम स्कंध हम पहला स्कंध पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बताया है कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, क्योंकि दुर्गा की पूजा करता हूँ मैं, और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में है। इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं और कोई भगवान नहीं मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में। पुण्यात्माओं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी के ज्ञान का तो आपके समक्ष ये हो गया सारा क्लियर कंसेप्ट। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं विष्णु जी को और बता रहे हैं, तो आप जगत गुरु हो, सब कुछ आप सर्वेश्वर हो, सब जगत के मालिक हो। और विष्णु जी क्या बता रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं। तो इसे सिद्ध है कि विष्णु जी को अध्यात्म ज्ञान और वेदों का कैसे भी पता नहीं। अब दुर्गा क्या बताती है, हिमालय राजा को ब्रह्म के बारे में जानकारी देती है और कह रही है, सातवां स्कंद 562 पृष्ठ पर अभी दिखाते हैं। दुर्गा कह रही है कि राजन, यदि तूने मोक्ष चाहिए तो सब प्रकार से तू उस ब्रह्म की पूजा करो। उसका ओम मंत्र है, ओम मंत्र का जाप करो और ब्रह्म को पाने का टारगेट रखो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम उसको ब्रह्म को पा जाओगे। और वो ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोक पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहाँ गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं पुनः क्षीण होने पर, ये भी पूर्ण मोक्ष सफल नहीं है। और ब्रह्म क्या कहता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल कहता है, ब्रह्म कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार नाम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, इसकी जो अंतिम सांस तक साधना करता है, मरते दम तक, श्री छोड़कर जाते समय तक, तो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक प्राप्त करता है। और वे फिर कहता है कि मेरे सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी, मेरे वाली जो गति है वो भी अति अनुतम है, अश्रेष्ठ है। क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, ये ब्रह्म कह रहा है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस परमेश्वर के बारे में स्वयं अपरिचित कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के तत्व ज्ञान को। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तू उस तत्व ज्ञान को जिसमें सब संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और वो तत्व ज्ञान परमेश्वर द्वारा ही अपने मुखारविंद से उच्चारित किया जाता है, उसके मुख से उत्तरित वाणी में ही विद्यमान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 32 और 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर होता है, और वो फिर तुझे बताओगे, उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, फिर वो जैसे बतावे तू वैसे ही करना। तो इसी सिद्ध है कि ब्रह्म भी कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता, उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बतावेंगे और उस परमात्मा की जानकारी वही जानते हैं, और मेरी साधना करेगा तो जन्म और मृत्यु तेरे भी और मेरे भी। अब थोड़ा सा एक इन सतियों के ब्राह्मणा की ओर पोल खोल दूं, ये के थे पुण्यात्माओं, इनसे मन जब भी हटेगा, जब हम इनकी आँखें देख लेंगे। अब जैसे किसी बोरी में कूड़ा करकट ठोक रखा हो और ऊपर लिख रखा हो उसमें बूरा खांड चीनी,
उन्हें खोल कर देखे तो मेरा पट्टा ना क्यों लद्दे अंडे उसने ठाए अंडे, उन्हें खोल कर दिखावा कोई देख इसमें बूरा कोना, बूरा ऐसी होती है ये देख दूसरी बोरी, तो फिर तुरंत पटक देगा ठाक उसने। तो अभी तक हम इस कूड़े करकट न ठाए अंडा थे और इस मोक्ष मार्ग से अपरिचित थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, तो अब हम तभी तो पटकेंगे इसने ठाक है, जब हम सच्चाई से परिचित होंगे। इनको ऋषि महर्षि कहा करते, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर बताया करते, लेकिन इनकी जो स्थिति है उतनी ही है। ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, राम हैं, साब को विनो देव को, और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जिनका कुल मालिक कबीर देव है, कबीर प्रभु है। अब देखिएगा, ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके छठे स्कंद में, यहां देखिएगा 414 पृष्ठ पे, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए भी सतयुग में ब्राह्मण कहो ऋषि कहो वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता होती थी। हम बताओ, एक और सुना दो थोड़ा आड़े, देख साथ में एक और कमाल की बात लिख रखी है। धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्माओं आपके समक्ष ये सारा जाड़ा हो गया, सारी तलाशी होगी इनकी। अब ये क्या कहते हैं, व्यास जी कह रहे हैं, राइटर ऑफ द पुराण, राइटर ऑफ वेद, राइटर ऑफ गीता, ये लेखक था, लेकिन इसके अंदर जो एक दिव्य दृष्टि दे दी थी काल भगवान ने, ये पहले से सुनियोजित होते हैं ये राइटर काल के, तो उसने इसमें जैसा भी जिसकी वार्ता थी, जिसने जो कुछ बोला, इसने एज इट इज लिख दिया, इसका अपना इसमें कोई योगदान नहीं। तो खुद जबर मात नारद ने, ये नारद से कुछ पूछ रहा था कि फिर उसने बताया कि मेरे पिताजी ने विष्णु जी से पूछा कौन देवता कौन भगवान पूजा की योग है, विष्णु जी ने बता दिया देवी सब तो सुप्रीम पावर है, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि सतयुग के ब्राह्मण अरण्यों के व्यास जी के वेद के पूर्ण विद्वान थे, जैसा व्यास जी था इसे ये थे, और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे वेदों में कितने दुर्गा की पूजा का नाम निशान भी कोई ना, केवल एक ओम अक्षर है ब्रह्म की उपासना की साधना, उसमें विशेष तर्क कही गई है, लेकिन विशेष महिमा पूर्ण परमात्मा की बताई है और उसके लिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है कि यदि पूर्ण मोक्ष चाहिए और उस परमात्मा की भक्ति करनी है जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो। अपुण आत्माओं, जो प्रसंग चल रहा था कि ये काल जो है अपने इन पुत्रों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा अपने इस 21 ब्रह्मांड को, यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जब इनकी जीवन पूरा हो जाएगा, समय पूरा हो जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये उत्पन्न करके पहले से ही कोमा में रखता है, इनकी मृत्यु होती जाती है, दूसरे कुआ ला करके सचेत करके बैठा देता गद्दी पर। तो अब आपके समक्ष ये आ गया कि
अब किसकी पूजा करनी चाहिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश और व्यास और ऋषि महर्षि सतयुग से लेकर आज तक आज के ब्राह्मण यानी गुरुओं के बारे में तो स्पष्ट कर दिया देवी पुराण ने, और वही ब्राह्मण जो कलयुग के ब्राह्मण थे यानी गुरु थे वो कबीर जी का विशेष विरोध किया करते थे आज से 600 वर्ष पहले, और वो कहा करते थे कि कबीर झूठा है, वेदों के बारे में ये नहीं जानता, इसने जो है संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोलता है, और परमात्मा क्या कहा करते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओडे मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिभरता को मिले न खादी सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, ये सचों को तो झूठा बतावें इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्माओं जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, इन प्रमाणों को आंखों देख लोगे, दांतों तले उंगली दबाओगे बैठकर, और रोया करोगे अकेले बैठकर कहीं एकांत में, हे परमात्मा ये ज्ञान ना मिलता तो कैसा जुल्म कैसा कहर टूटता हमारे ऊपर, परमात्मा क्या बताते हैं, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, ना नारद को, ना व्यास को, ना सतयुग के ब्राह्मण ऋषियों को नहीं मालूम, इन कलयुग वाले ब्राह्मणों ना ऋषियों को या नकली ऋषियों को कहां से होगा। अब क्या बताते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधेरे,
दिखत के तो नैन चसम इनको फेरा मोतिया बंदरे। परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, इन अज्ञानियों ने, ऋषि महर्षि, नकली ब्राह्मणों ने, इन गुरुओं मंडलेश्वरों को, महंतों को, कहते कख भी पता को नहीं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष रूपी मोती इनको दिखाई नहीं देते, यानी यथार्थ ज्ञान से ये परिचित नहीं है। ये जग है सब अंधरे, ये सभी तत्व ज्ञानहीन है, नेत्रहीन है, ये सारे जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि महर्षि, दिखत के तो नैन चसम इनके फेरा मोतिया बंदरे, इनका आंख तो दिखे जैसे किसी का मोतिया बंद हो सफेद, उसकी आंख ऐसी स्वस्थ दिखाई देती है, कति स्वस्थ कि जैसे इसने बहुत घना दिखता होगा, वो कति नपटंदा होता है। तो ऐसे ये संस्कृत के ज्ञाता विद्वान महर्षि पाकि की एक संस्कृत भाषा ने जान कहे, और इनको वेदों और गीता और पुराणों का कैख का पता नहीं था। 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को, छपों को, वेदों को, हर वेदों का राइटर है व्यास जी, गीता जी का राइटर व्यास जी, और 18 पुराणों का राइटर व्यास जी। ये राइटर है लेकिन इसको अनुभव कुछ नहीं इसके बारे में, जैसा भी काल ने प्रेरणा की और उसने पहले से ये सुनियोजित होता है व्यास एक प्रत्येक द्वापर युग में, वही व्यक्ति फिर यही काम कर जाता, काल करवा देता और परमात्मा के डर से करवाता, मालिक ने लिखवाने थे ये सारे। और आज ये वेद ना होते, गीता ना होती, पुराण ना होते तो हम कैसे समझते भगवान को? तो क्या बताते हैं, कि दिक्कत के तो नैन चसम, अब जिसका मोतिया बंद हो उसकी आंखें ऐसी दिखें जैसे तो बहुत अच्छी तरह देख लेता होगा, पर उसने देखता कुछ को नहीं। ऐसे ही विद्वान को हम थे, मैं ऋषि पाकरे थे, ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन थे, कति अंधे थे। तो परमात्मा फिर हमें क्या बताते हैं, कि जब तुम इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे, तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु की महिमा से परिचित होगे, फिर कैसे क्या करोगे? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं ही जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खाने। चार खानी में भरमते कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। गुणात्माओं आपका सौभाग्य है, दास बार बार कह रहा है, क्योंकि आप तो बच्चे हो, लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोरी बताया करें। आपके ऊपर जो मेहर है वो न्यारी है, समझ लेना। चाहे यहाँ कोई दुख के कारण आया है, वो दुख भी उसके लिए वरदान सिद्ध होगा एक दिन, कि वो कष्ट ना आता तो आप यहाँ कभी नहीं आते, यहाँ नहीं आते तो आपकी वो दुर्गति होती, जैसा ये दास अभी आपको एक प्रमाण दिखा होगा। पुण्यात्माओं, जैसे पूर्व के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उनको देखकर ही हम सजग होंगे, सतर्क होंगे। आपको दिखाते हैं एक बहुत ही अच्छा इतिहास, एक जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं, इससे आपको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा कि अपनी के दुर्गति होनी थी और अब नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञान, ये भक्ति, ये भगवान वो समझ सकती है जो हमारे पापों का नाश कर देगा। और इससे पहले हम जो भी साधना करते थे हमने दोनों भोगने पड़ते थे, जैसा कर्म किया वैसा ही भोग मिलना था, पुण्यों का फल अलग, पाप का अलग। आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं
श्री ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी एक राजा थे, उनको पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी आए थे, वो मिले थे। सभी पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनकी महिमा में लिखा है। ऋषभ देव जी को बहुत ज्ञान समझाया और अपने बारे में जानकारी दी, लेकिन ऋषभ देव जी को परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। कारण क्या रहा कि वो जो अन्य ब्राह्मण गुरु थे वो भ्रमित कर देते थे कि ये झूठ बोलता है, ये उठपटांग बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो इतना प्रेरित हो गया भगवान पाने के लिए, घर त्याग कर, और जैसा भी उन्होंने कोई गुरु बनाया था उसे ओम नाम लेकर ओम नाम का जाप और हठ योग शुरू कर दिया। एक वर्ष तो निराहार रहा, फिर उनके पौत्र ने उनको उसका निराहार वृत्ति तोड़वाई, फिर 1000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया। उसके बाद फिर जो ही वो तप करके उठा और फिर सबसे पहली दीक्षा अपने पौत्र भरत के पुत्र मारीचि को दी। अब मारीचि जी ने वो उपदेश लिया अपने दादाजी ऋषभ देव जी, फाउंडर ऑफ जैन धर्म, और उस साधना के बाद उसके साथ क्या बीती, कितनी दुर्गति हुई उस जीव की। तो इसे सिद्ध है कि जो साधना हम कर रहे थे इतनी हम कर भी नहीं सकते जैसा इन्होंने की, तो उससे उनको क्या मिला और अब हमें क्या मिलेगा इस साधना के करने से, देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, एम ए शास्त्री। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, एम ए शास्त्री, जम्बूदीप, अस्तनापुर। और प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप, अस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे 294 पृष्ठ पर देखा, ये 293 पृष्ठ है, विशेष प्रकरण आओ जैन धर्म को जाने। ये प्रश्न संख्या है 3343, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं। उत्तर है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब 294 पे आओ जैन धर्म को जाने, 294 पृष्ठ पे प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है। उत्तर है पुरुवा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से। पुरुवा भील कौन था और उसने क्या किया था। वह पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद्मास मधु त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की पर्याय यानी शरीर से कहाँ गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीचि नामक जो था ये भरत का बेटा था और ऋषभ देव का पोता। मारीचि की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा और प्रकरण देना पड़ेगा जब समझ में आओगे आपके। ये देखिएगा जैन संस्कृति कोश, ये है जैन संस्कृति कोश, या आगे नहीं दिखाएंगे इनको। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, ये सारा इनका इतिहास लिखा है। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये 2 हैं, ये दोनों मिलकर इनके प्रकाशक हैं। ये अपनी माता के नाम इन्होंने, इसमें आपको दिखाते हैं थोड़ा सा प्रकरण, ये देखिएगा इसके 175 पृष्ठ पे। ऋषभ के पौत्र यानी पोते मारीचि भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। वैदिक धर्म का प्रवर्तक ये मारीचि था।
और यही मारिचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, यही आत्मा आगे चलकर महावीर भगवान हुआ। ऋषभ देव के पौत्र मारिचि भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। और यही मारिचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान हुआ। अच्छा, ये देखिएगा अब 176 पृष्ठ पे, ये वही है जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास, कला और पुरातत्व। तीर्थंकर ऋषभ देव जी की जीवन घटना। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलंकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्रह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने इक्षु रस देकर, ईख का, गन्ने का रस देकर इनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना आरंभ कर दी, यानी दीक्षा देनी शुरू कर दी, आप नाम देने लग गए। और प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारिचि को दी। ओह, पहला शिष्य बनाया मारिचि ऋषभ देव ने, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। अब आपने देख लिया कि भरत का पुत्र मारिचि अपने दादा ऋषभ देव जी से उपदेश लेकर उसने वो साधना की जो वैदिक धर्म में की जाती है, यानी ओम नाम का जाप और हठ योग, ये अपना मनमुखी। उससे क्या लाभ हुआ, यानी श्री ऋषभ देव जी से सीधी दीक्षा प्राप्त करने के बाद मारिचि जी की के दुर्गति हुई। आगे फिर महावीर जैन बना, वही जीव आगे चल के, अब देखो अब आओगी समझ में। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, ये अभी आपको दिखाई थी पहले, वही है ये। ये कहाँ से प्रकाशित है, बस यहाँ से देखिएगा। अब हम इसके 293 प्रश्न पढ़ रहे हैं। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है। उत्तर, पूर्वा नामक भील की प्रियाय से है। पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया। उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि राज से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रियाय से कहाँ गया। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। भरत चक्रवर्ती राजा की रानी अनंतमती से मारिचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया, मारिचि की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। आपने देख लिया, इस मारिचि वाले जीव ने जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव अपने दादा से नाम लिया था, फिर उस गेला के बना, देखो वो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ मारिचि वाला जीव। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, इस मारिचि वाले जीव को ही समझो भगवान श्री महावीर का जीव। अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर कहाँ गया, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर यहाँ उत्पन्न हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर यहाँ हुआ, फिर स्वर्ग में गया। और यहाँ देखो
पे चरणों पे। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। इतर निगोद में, निगोद से निकल कर श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब देखो कमाल है, अनेक भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं, 1000 आंख वर्ष के भाव माने जीवन, 80,000 सीप के जीवन भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60 करोड़ बार वैश्या के भाव और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओ तेरा गज और 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। गधे का भाव तो कब तेरा और कुत्ते का भी कब तेरा, गणित रुते कोई नहीं इस भाव की, फिर के चाटो स्वर्ग के देवता के जीवन को, 60 करोड़ बार गधे का जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते का भाव, 60 करोड़ बार नपुसंक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए होए, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन सब कर्मों को भोग कर उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर गया। देखो अब महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, त्रिपृष्ठ नारायण से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, सातवें नरक में गया, नरक में और गया, वह सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये देखिएगा दो सौ 96 पृष्ठ पे, आओ जैन धर्म को जाने। सिंगरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया, है है। अब आगे देखो, फिर घूमता घूमता के होया, पुष्पोत्तर विमान में देह हुआ, तनंतर 24 में तीरंत कर श्री महावीर भगवान हुआ। अब देखो यू महावीर भगवान हो गए इतने गधे कुत्ते बन के, पुष्पोत्तर विमान में देह हुआ, तनंतर 24 में तीरंत कर महावीर भगवान हुआ। मारिची वाला जीव जो ऋषभ देव से उपदेश लेकर के उसकी याद दुर्गति हुई, अरब श्री महावीर जी ने क्या करा, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए, ओ तेरा गजब भैया। अपने आत्माओं विचार करने की बात है थोड़ी सी, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में इतने अंधे हो गए थे, इतने ब्लाइंड फेथ करते थे अपने गुरुओं पर कि वो जो कह रहे हैं वो सच्ची, हमने आँख मीच कर देख सुनते रहते थे। अब हम देख रहे हैं कि ये साधना जो आज तक करते आए हैं उसकी से ये दुर्गति हो रही है। ऋषभ देव जी से साधना प्राप्त करके जो वेदों अनुसार दिया करते थे और करते थे स्वयं भी, उसके करने से महावीर भगवान यानी उस मारीची वाले जीव की के दुर्गति हुई, कभी स्वर्ग में गया, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, फिर नरक में, कभी देव फिर राजा, फिर देव फिर राजा और फिर बैरान माटी शुरू होगी। कहते 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, करो कितने का आपने पढ़ लिया, केवल 80 लाख बार देवता बनया के चाट उस देवता ने, जब फिर गधा बन के खड़ा हो जा। ये तो दुर्गति हुई उस ऋषभ देव की दीक्षा से प्राप्त जो वेदों अनुसार साधना करते थे। आगे फिर महावीर के रूप में वही जीव आके महावीर जैन के रूप में जन्मया और महावीर जैन जी का कोई गुरु नहीं, उसने मनमुखी साधना की और 363 बकवाद पंथ चला दी, पाखंड मत, और उन 363 पाखंड मतों के अनुसार पूजा चल रही है वर्तमान में जैन धर्म में।
अब उनकी के दुर्गति होगी, वो तो ना तो स्वर्ग में जा सकते, वो तो सीधे 84 लाख योनियों, क्यों पाखंड पूजा, और फिर ये आगे जाके दुर्गति क्या होगी। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिरते चारों खानी, चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। अब परमात्मा बताते हैं कि ऐसा सतगुरु मिल जावे जो तुम्हारे को इतना बाईपास निकाल दे, फिर परमात्मा क्या महिमा बताते हैं। सात समुद्र की मसीह करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं हूं गुरु गुण लिखो न जाए। पुणात्माओं, इस साधना से जो दास आपको दे रहा है परमेश्वर कबीर जी द्वारा दी हुई, और उन्हीं का आशीर्वाद दास के ऊपर है, आदेश है, और बगैर अधिकारी के साधना भी विफल होती है। तो इससे आपको कितना पुण्य होगा, कितना आपको लाभ होगा, आप इस 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे। सो फेरा सब मिट गया, वो बाईपास निकाल दिया परमात्मा ने सीधे ये सारे झंझट मिट के। कहते फिर उस संत को क्या महिमा करूं उसकी, सात समुद्र की इंक बना लूं, पूरी पृथ्वी जितना पेपर ले लूं और लग जाऊं लिखण महिमा। कहते सब समाप्त हो जा, सातों समुद्र भी सूख जा, सब वृक्षों की कलम बना बना लूं या घिस जावे तो भी महिमा नहीं लिखी जा सकती। अब लिख के दिखाओ, एक कुत्ते के जीवन में क्या दुर्गति होती है, एक गधे के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं। आज हम उस दुख से दूर हैं, इसलिए हमारा नो यकीन ना होता कि हम भी कभी पशु बनाएंगे, और यह भूल मिटेगी इस ज्ञान से कि जब महावीर जैसे महापुरुष और मारीचि जैसे साधक और वो 84 लाख योनियों में ऐसी दुर्गति हुई तो आपकी क्या औकात है। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधे की योनि भोगी, उन साधनाओं के करने से जो तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो अभी, और उस पर आगे तुम तो दूसरी साधनाओं पर पाखंड मतों पर चल रहे हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो मार्ग ग्रहण कर जो मोक्ष मार्ग है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को मिल रहा है। परमात्मा बताते हैं कबीर परमेश्वर जी ये स्वयं सारी सृष्टि के दाता हैं, ये स्वयं ही एक संत का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं पृथ्वी पर अपनी अच्छी आत्माओं को तत्व ज्ञान बताने के लिए। काल के द्वारा हम सभी आत्माओं को एक सुनियोजित तरीके से यहाँ भ्रमित किया हुआ है। जिसको ये जीव नहीं समझ सकते
उसी काल के जाल को समझाने के लिए, हमें बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। और इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, सर्वपुरुष, इसने हम सभी को विवश करके रखा हुआ है। हमें ऐसा शरीर दे दिया पृथ्वी पर कि हम एक 4-5-10 फुट चौड़े नाले को भी कूद कर पार नहीं कर सकते। और हमने जाना है यहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर, नील पदम शंख। तो इस काल भगवान ने हमें ऐसा जकड़ रखा है कि हम हर प्रकार से विवश हैं। प्रथम तो इसने हमारे 5 ऐसी बेड़ी बांध दी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जिसके कारण हम यहीं फंसे रह जाते हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते हैं। फिर इस काल ने एक और सुनियोजित षड्यंत्र रचा हुआ है कि यदि साधना करना चाहे, कोई भक्ति भी करना चाहता है, तो इनकम्प्लीट नॉलेज दे रखा है। पुण्यात्माओं, जैसे पवित्र चारों वेदों में ब्रह्म की साधना की जानकारी है और महिमा पूर्ण परमात्मा की परिपूर्ण है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ है, बोला था, कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलों वेदन में नाही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है। और जिस वेद में जिस ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में, तत्व ज्ञान में मैं मिलूं, वो चारों वेद जानते ना। जो ज्ञान तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद में है, कबीर वाणी में है, उसको चारों वेद नहीं जानते, उस गूढ़ रहस्य को, यानी चारों वेदों में वो वर्णन नहीं है। जैसे पवित्र वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम नाम के स्मरण करने का विधान बताया है और उसको अंतिम श्वास तक श्रवण करता रहे तो ब्रह्म से मिलने वाला, क्योंकि ओम जाप जो है सर्वपुरुष का है, ब्रह्म का है, तो ओम के जाप से ब्रह्म से मिलने वाला लाभ मिल जाता है। वो क्या लाभ है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके ये प्राणी फिर से 84 लाख योनियों में ऐसे ही जन्मता मरता रहता है। जैसा कि आपको सत्संग में रह रहकर दिखाया जाता है कि महावीर जैन जी के जीव को कितना कष्ट उठाना पड़ा, 60 करोड़ बार गदा, 30 करोड़ बार कुत्ता और ना जाने कितने योनियां भोगी और केवल 80 लाख बार देवता बना। तो ये कोई जीवन है? तो ओम नाम के जाप से और ब्रह्म तक की साधना से ये दुर्गति सदा बनी रहेगी आप जी की। और ये यही चाहता है कि ये यही जन्मते मरते रहें, सतलोक ना चले जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान लें, सतभक्ति करें और अपने उस स्थान पर आ जाए जहाँ ये सदा सुखी रहेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है,
नथिंग एल्स। तो इस प्रकार गीता जी और वेद एक ही हैं, क्योंकि पवित्र गीता जी में पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष कोड वर्डों में अत्यधिक ज्ञान है, सांकेतिक शब्द ज्यादा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ये इसका अर्थ बनता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से ही पूर्ण मोक्ष होगा, और उसकी साधना तीन मंत्र के जाप से है। ओम तो स्पष्ट है और तत् और सत ये सांकेतिक, ये कोड वर्ड है। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो वेदों ने ये स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा की जानकारी कंप्लीट नहीं है। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि वो परमेश्वर स्वयं आकर के अपनी महिमा आप ही अपने मुख कमल से बोलते हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, वो ब्रह्म ने मुखे। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान है, जो विस्तार से कही गई है साधनाएं, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, और कपट छोड़कर उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तुम्हें ये रजा बख्शेंगे। कहने का भाव ये है कि वेद भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं और गीता जी भी इनकम्प्लीट अधूरा ज्ञान है, लेकिन गलत नहीं है। अपुण आत्माओं, आप जी किसी से टेलीफोन मिलाते हो और उसमें आपके पास तीन अक्षर तो ठीक हैं, बाकी तीन अक्षर या दो अक्षर जो और नहीं हैं उनकी जगह केवल डॉट लगे हैं, तो आप क्या मिलाओगे, कहाँ बात करोगे, यानी इनकम्प्लीट है वो, व्यर्थ है। इसी प्रकार इसने उस परमात्मा की जानकारी ऐसे डॉट लगा कर दे दी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तो क्लियर लिख दिया एक नंबर तय, और दो डॉट लगा दी तत् और सत लिख दिया। इन डॉट को कौन बतावे, और जब तक ये डॉट नहीं बताए जाएंगे इतनी बात पड़े नहीं, भगवान मिला नहीं, उसे कनेक्शन हो नहीं, तो व्यर्थ है वो नंबर, वो अधूरा है और व्यर्थ है। इसी प्रकार जितने भी सदग्रंथ अभी तक हमें उपलब्ध थे उनमें डॉट लगा रखी थी, कुछ ज्ञान सही था बाकी डॉट ज़्यादा थी। तो इस प्रकार ये डैश लगा रखे हैं इनको, अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने, उस धाणक कबीर ने, जुल्हा कबीर जी ने, परमेश्वर ने जो बनारस में आए थे, वो पूर्ण परमात्मा है, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, वो हम सबके जनक हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे लिए भटक रहे हैं यहाँ पर, और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, जिस कारण से हम इस काल साधना करके ही इसी के जाल में फंसे रहते हैं। उसको बताने के लिए परमात्मा आते हैं, जिसकी वेद गवाही देते हैं, जिसकी वेद भी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अपने तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल करता है, सरल करके हल्का तेज पुंज का बना करके, और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इस प्रकार इस काल ने हमारे को यहाँ भ्रमित कर रखा है, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से हमें रंग रखा है, शास्त्र विरुद्ध विधि त्याग का मनमानी पूजाओं पर हमें लगा रखा है, और हम उसको परंपरागत करते हुए देखते आ रहे हैं, हमारे हृदय में वो गहरी समा गए हैं, बहुत बुरी तरह जच गए कि यह सही साधना है, और ये काम किया है नकली गुरुओं ने, डुप्लीकेट गुरुओं ने, जिनको कै खै का भी पता नहीं था भक्ति मार्ग का।
तो उनके विषय में परमेश्वर ने कहा कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। और काल यही चाहता है कि सब मिसगाइड रहें, भ्रमित रहें। आत्मा भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकती। परमात्मा की चाह इसको उसी दिन से महसूस हो गई थी जिस दिन से ये भगवान से भी छुड़कर आई है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूँ, भटक रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ बहुत कष्ट उठा रहे हो, ये तुम्हारा स्थान रहने का नहीं, यहाँ तो तुम्हें प्रताड़ित किया जा रहा है पल पल में, रात दिन आपको पल की चैन नहीं इतना पीड़ित किया हुआ, लेकिन आप इन दुखों को सहन करने के आदि बन गए, विकल्प आपको मिला नहीं, आपने इसी कष्ट को जन्म और मृत्यु को, किसी की टांग कट गई, किसी का कोई भयंकर रोग से पीड़ित है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, आप जी ने ये जान लिया, ये मान लिया कि सबके साथ हो रहा है या ऐसा ही होता है और यही ठीक है, ये खाक ठीक है। अब जैसे हम पहले क्या सोचा करते थे कि बेटा हो, लड़का होता कि मेरा वंश चले, और एक नहीं दो हो, एक एक का भी बेटा दो हो, दो किस लिए हो कि एक मर जाते एक तो जीवित रह जाए। वैसे यही था मन में कि एक की मृत्यु हो जाए कम से कम एक तो बच जाए। अब बताओ हमें पहले मालूम है कि कुछ भी बिजली गिर सकती है और फिर भी हम इसको ठीक मान रहे हैं, तो ये हमारी भूल थी, ज्ञान में था नहीं और हमने कोई और विकल्प मिला नहीं। परमात्मा हमें कुछ बताने आए, हमने सुना नहीं क्योंकि नकली गुरुओं ने हमें भ्रमित गणा कर रखा था। अब क्या बताते हैं परमात्मा, निर्बाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष कर करता, निर्बाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष कर करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों योगन योगन चोले धरता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों योगन योगन चोले धरता, चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख चौरासी क्यों फिरता, चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख चौरासी क्यों फिरता, सतसंगति ले निज साधुन की नहीं नाम बिना कारज सरता, सतसंगति ले निज साधु की नहीं नाम बिना कारज सरता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों जुगन युगन चोले धरता, दयावंत विवेक भय ज्ञानी टुक छेड़ करे ते सब लड़ता, दयावंत विवेक भय ज्ञानी टुक छेड़ करे ते सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम कंकर ना डरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए हैं इनसे जम कंकर ना डरता, तू कौन कहां से आन फसा देखो आग बिराणी क्यों जलता, तू कौन कहां से आन फसा देखो आगे बिराणी क्यों जलता, समझे नहीं सोख सूद्र गैले बड़े भूत भये जो पिंड भरता, समझे नहीं सोख सूद्र गैले बड़े भूत भये जो पिंड भरता,
मुक्त होण का भेद कहूं, चल चंवर सुहंग मुजित ढूरता। मुक्त होण का भेद कहूं, चल चौर सुहंग मजित ढूरता। के दास गरीब निवास सदा जहाँ नाद अखंड अजब गुरता। कह दास गरीब निवास सदा जहाँ नाद अखंड अजब गुरता। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चो।